आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ फूल तोड़ने। मैं नहा चुकी हूँ, फूल तोड़ने जा रही हूँ। आज मेरे यहाँ बैठौनी होगी खेत की, और खेत की बैठौनी के लिए ही हमारे तिवारी जी नोएडा से आए हैं, और नहीं तो इमिजिएटली वो छुट्टी लेके आए हैं। छुट्टी नहीं मिला था, फिर भी उनकी एक हफ्ते की छुट्टी है। और खेत का काम है, सब सीजन है, इस समय धान बैठाया जा रहा है खेत में। सो बिना अपने रहे नहीं होता, कितना भी मजदूर काम करे पर अपने ही रहना पड़ता है, क्योंकि और ट्रैक्टर वगैरह मजदूर सब कुछ बुलाना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, बहुत सारा काम है। तो खेती को छोड़ नहीं सकते, तो सीजन सीजन पे उसको करना ही पड़ता है। तो हमारे हस्बैंड जी आए हैं वहाँ से, इतना काम करके घर आओ, घर पे भी इतना काम रहता है, मतलब एक दिन का भी आराम नहीं। तो जब से वो आए हैं छुट्टी लेके, तब से खेत का काम कर रहे हैं। सो मैं छाता लेके क्यों खड़ी हूँ आप सोच रहे होंगे, यहाँ हल्की हल्की बूंदी पड़ रही है, सुबह का टाइम है, हल्की हल्की बूंदी पड़ रही है। मैं फूल तोड़ने आई थी क्योंकि सावन चल रहा है, तो सुबह पहले तो पूजा होता है, और सुबह है ये वाला फूल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों सावन में हम ये वाला सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं और बेलपाती चढ़ाते हैं। बेलपत्र का पेड़ मेरे यहाँ नहीं है, तो कभी कभी माजी ला देती हैं तो मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। पर ये फूल तो रेगुलर रहता है, ये हमारे घर ही है तो इसकी दिक्कत नहीं है। फूल रोज़ हम चढ़ाते हैं, रोज़ हम गाय का दूध भी चढ़ाते हैं। सो ट्विंकल के लिए गाय का दूध ही आता है, तो मैं उसमें से रोज़ भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ। तो गाय का दूध और ये फूल तो कंपलसरी है, बट बेलपत्र कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। सो सावन में, दो महीने का सावन है, तो रोज़ चढ़ाना चाहिए, अगर मिल सके तो रोज़ बेलपत्र, दूध और सफ़ेद फूल, चंदन, मिश्री, भोग, ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। सो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तिवारी जी आए हैं तो उनके पसंद का कुछ खाना भी बनाएंगे। आज बैठौनी, हम लोगों के यहाँ जब बैठौनी होती है खेत की, तो जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन मिठाई लड्डू वगैरह बढ़ता है, और ऐसे मेरे मायके में भी होता है, यहाँ भी होता है। सो मैं झविया लाना फूल का भूल गई, सो झविया लाने जा रही हूँ। सो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं पूजा वगैरह करके। तो चलिए, नहीं तो गिर पड़ोगी, आ जाओ अंदर। तो दोस्तों बारिश हो रहा है, देखिए झिमझिम झिमझिम, और मेरा पूजा हो गया। सो तिवारी जी खेत में गए हैं, सुबह ही खेत में चले गए। पानी चलाने के बारे में सोच ही रहे थे कि महादेव ने बारिश कर दी। हम लोगों का ऐसा ही होता है, जब भी खेती बैठौनी होती है ना, पानी चलाने के टाइम पे पानी बरस देते हैं। देखिए भगवान कितना सोचते हैं हमारे बारे में, और लोग कहते हैं भगवान होते ही नहीं। ट्विंकल आ जाओ। तो ट्विंकल को छाता लेके बारिश में कितना मज़ा आ रहा है। आ जाओ बेटा, नहीं तो गिर जाओगी, कीचड़ हो गया है। देखो ये मिट्टी गीली हो जाती है बारिश में, तो गिरने का डर हो जाता है। आ जाओ अंदर। तो दोस्तों अभी हम लोग का चाय नाश्ता हो गया, और तिवारी जी का फेवरेट उनको दाल की, चने की दाल की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने रात को दाल भिगोए हुए थे, तो दोस्तों रात को मैंने दाल भिगोए हुए थे और उसे सुबह छौंकना है, फिर पीसना है, फिर उसको भरना है, फिर पूड़ी बनाना है। और मैं बना रही हूँ उसके साथ आलू परवल की सब्जी और दाल चावल साग, उनको साग बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ें नोएडा में नहीं मिल रही, वो बहुत मिस करते हैं घर का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वो होटल का सही कह रही है। ट्विंकल सही कह रही है। खेत में नहीं गई थी बेटा पापा के पास? दादी भी गई है, ट्रैक्टर आया है ना, ट्रैक्टर आया है, खेत में गई नहीं थी देखने। ये ट्रैक्टर से बहुत डरती है। मामा मुझको डरवा, मम्मी मम्मी मामा मैं नहीं डर सकता, वहीं डरवा लेता हूँ, तो नहीं गई। अच्छा चलो देखो बेटा पापा।
बैठोनी हो रहा है तो माँ जी इसलिए गाना गुनगुना रही है। हमारे यहाँ जब बैठोनी होता है खेत का तो सब लोग तब सब औरतें सावनी गीत गाती हैं, जो खेत बैठाती हैं वो सावनी गीत गाती हैं। अच्छा, जलुआ सब लोग सावन में झूलते हैं बेटा। तो कुछ खुशी बहनी सुनाई है सावन का गीत, कहाँ है खुशी बहनी? तेज गाओ अम्मा। माँ जी देखिए गाना गुनगुना रही हैं, अपने जमाने का सोहर गीत गा रही हैं। कौन हाँ अम्मा, ये कौन गाना रहा सावन का? तो हमारी सासू माँ बहुत अच्छा गाना गाती हैं, उनको मतलब शादी ब्याह का गाना, सावन का गीत, ये सब नकटा उलारा उलारा ये सब बहुत आता है। मुझे ये सब नहीं आता है पर सुनना पसंद है। मुझे जुआ खुलवाना और वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं समझ में आता। नटिंकल आप भी कुछ गाओ, खुशी बहनी कुछ गाओ सावन। नहीं आता, सीखना चाहिए, सजन घर जाना है। सजन घर जाना है सावन के। ट्विंकल बिटिया आ गई, ट्विंकल बिटिया। ट्विंकल आजकल झलुआ झूल रही है ना ट्विंकल? सावन है आज, सावन है आज, पावन। अच्छा लग रहा था झलुआ झूलना? अरे दरे जैसे कुत्ती पोतली है ये मुआ में हम आतू। क्या मेरे मुंह में क्या लगा है? कुछ तो नहीं लगा है, इतना गर्मी है क्या लगाएं? कुछ नहीं लगाते हैं, इसीलिए सिर्फ पूजा किए हैं, बाल भी नहीं बनाए। अभी भी जा रहे थे बाल बनाने, फिर कहें लो जुआ दिखा ले। मम्मा मुझको मेहंदी का लगा दो। लगाए तो थे आपको, देखो देखो दोस्तों को दिखा दो। मुझको मेहंदी लगा दो। अच्छा, मीठा दिए थे आज मीठा। तो मेरे सर में जुआ पड़ गया है छोटा छोटा, और खुशी बहनी हमारी निकाल रही हैं। यही आजकल मेरी हमदर्द है, मेरी साथी हैं, मेरे दुख सुख की साथी हैं। सो मेरा बहुत हेल्प कर देती हैं। पता नहीं क्यों मेरा खजुला रहा था सर, इतना खजुला रहा था। और माँ जी को मतलब महीन चीज़ उतना नहीं दिखता है, जैसे कि चावल भी नहीं बीन पाती हैं, थोड़ा सा उम्र का तगाजा हो रहा है। सो जुआ माँ जी देख नहीं पाएंगे, उन्होंने जी हमारी आई थी इस बार तो तुरंत ही चली गई, तो मैं किसी से दिखा ही नहीं पाती हूँ। तो खुशी बहनी आई हैं, देख रही हैं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों खुजला रहा है मेरे में। आप लोग सोच रहे होंगे इनकी जुआ भी है, तो नहीं, मेरे जुआ नहीं रहते हैं, पर पता नहीं कैसे पड़ गया ऐसे, मतलब लग रहा है कि पड़ गया है, एक दो कहीं कहीं है, तो उसी से मुझे इतना खजलाहट हो रहा है कि मैं रात भर सो नहीं पाई। तो खुशी बहनी आई है तो थोड़ा देख रही हैं। आज हमारे यहाँ खेत की बैठौनी भी हो रही है, तो हमारे तिवारी जी खेत में गए हैं और नाश्ता वगैरह करके गए हैं। उनका फेवरेट मैं कुछ खाना भी बनाई हूँ, वो अभी आपको दिखाऊंगी। सर में कितना है? 25 जो पका रहेगा वो आप खा लीजिएगा, जो कच्चा नहीं, रहेगा आप खा लीजिएगा। मैं आपको दे दूंगी। जो पका रहेगा वो खा लेना, जो कच्चा रहेगा वो छोड़ देना, बाद में पक आप जाएगा। खा लीजिएगा, आपका पेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मुझे ना जुआ, मुझे जुआ हरवाना इतना अच्छा लगता है, और जो हाँ, जो वो पका रहता है, सॉरी, मुझे जुआ हरवाना इतना पसंद है, इतना पसंद है। साथ में जब बताओ, जो आम तोड़ेगा वो खाएगा या जो नहीं नीचे रहेगा वो खाएगा? जिसका पेड़ रहेगा वो खाएगा, जिसका सिर है वो खाएगा। नहीं नहीं, जो तोड़ता है वही खाता नहीं, है नहीं, जिसका पेड़ रहता है वो खाता है। सो माँ जी अभी खेत से आ रही हैं, अपने बेटा जी को देखने गई थी कि क्या कर रहे हैं। तो मेरे घर के पीछे ही खेत है, ट्रैक्टर चल रहा है और धान की बैठौनी हो रही है। 2 दिन का काम है, कल से ही हो रहा है, कल और आज। कल इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, सो आज मैं बना रही हूँ। और अभी अभी माँ जी मेरा अभी माँ जी वहाँ जाएंगी और वहाँ का वीडियो भी आपको दिखाएंगी। माँ जी जाएंगी या फिर
तिवारी जी जाएंगे तो आपको बैठौनी भी दिखाएंगे खेत में कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है बैठौनी देख के। उस बार मैं मायके में थी तो मैं वहाँ पर सारा वीडियो बनाई थी। मामी सही देखा वही नहीं बा आज ही कही दे थी यहाँ से ही नहीं करे बट देखें आप लोग काम चोर है। बाय बाय मैं जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हमारी खुशी बहनी वापस आ गई, बोले नहीं मेरे बिना रह नहीं पाती हैं, ये कहती हैं जा रहे हैं। बहुत मामी परेशान करती हो हमेशा, जब आती हूँ तब जुआ दिखाती हो फिर 5 मिनट में फिर आ जाएंगी। इनका मन नहीं लगता है मेरे बिना, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना। अरे आपका भी वीडियो शूट करेंगे, आओ मेरे पीछे आओ। बहनी रह नहीं पाती हैं, अभी आएंगी जरूर, गई हैं पानी पीने। तो दोस्तों अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगा और तिवारी जाएंगे दिखाएंगे, बहुत मेहनत करते हैं वो। सोचिए वहाँ से ड्यूटी करके घर पे आए और जैसे आए तैसे खेती के काम में लग गए हैं। खेत अकेले रहने में यही दिक्कत होता है। जाना हम